Hello and welcome to Track My Payment. I am Ankur Jain. I am the founder of Track My Payment dot in. इससे पहले हमने हमने अभी तक दो वर्जन लॉन्च किए हैं ट्रैक माई पेमेंट के, वर्जन वन एंड वर्जन टू. अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं वर्जन 1.1. सो ये वर्जन वन का एक स्टेप अहेड है. तो जो सारे फीचर्स वर्जन वन में है वो तो हैं, उसके अलावा एक फीचर हमने जो है यहाँ पर लॉन्च किया है कि जिसमें आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फर्स्ट रो में, ये फोर्थ रो में आप जो है देखेंगे कि हमारा परचेज प्राइस है 500, हमने सेलिंग सेल की है उसको 1000 रुपीज़ में, अमेज़ॉन ने हमको दिया है 650 और हमारा जो प्रॉफिट आया वो 150 रुपीज़. तो इस प्रकार से हमारा जो प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ है वो 150 रुपीज़ कैलकुलेट हो गया. अब ये तो हो गया इस केस में कि आप को सारे प्रोडक्ट जो है डिलीवर्ड हो गए. अब इसमें दूसरी चीज़ कि आपने आइडेंटिफाई किया कि सेम SKU अमेज़ॉन पे बिक रहा है तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 150 रुपीज़ हो रहा है पर प्रोडक्ट. बट अगर आप इसको फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं तो आपको 200 रुपीज़ हो रहा है. ये जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड आपको वर्ज़न वन में भी मिला है, ये वर्ज़न 1.1 में भी रहेगा. तो इसमें आपको देखिए अमेज़ॉन का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 300 रुपीज़, क्वान्टिटी भी की है 2. फ्लिपकार्ट पे प्रॉफिट आ रहा है 200 रुपीज़, क्वांटिटी भी की है 1. तो ऐसे ही आप जो है पूरा एनालिसिस कर सकते हैं. मंथ वाइज यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि अगर आपको पर्टिकुलर मंथ में जो है चेक करना है पेमेंट, आप जो है यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं कि पेमेंट किस मंथ में जो है आ रहा है. तो वर्जन वन में हमने जो है इस डैशबोर्ड को अच्छे से समझाया है, तो वो हम यहाँ पर नहीं समझाएंगे. हम सिर्फ एक्स्ट्रा फीचर्स को यहाँ पे जो है बताएंगे कि वर्जन 1.1 में एक्स्ट्रा क्या है. तो अगर आपको वर्जन 1 अगर जो है देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस जो है देखिए, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं. हम ऑर्डर डिस्पैच में आ जाते हैं. ये तो हमारे सारे प्रोडक्ट जो है डिलीवर्ड हो गए और हमको जो है यहाँ पे प्रॉफिट जो है कैलकुलेट हो गया. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अमेज़ॉन पे सेल करते हैं ईजी शिप के थ्रू और ईजी शिप में आपका कोई प्रोडक्ट जो है गया और वो प्रोडक्ट जो है इन बिटवीन काफ़ी देर में जो है डिलीवर्ड नहीं हो रहा था और वो जो है वहाँ से रिटर्न हो गया बट आपके पास नहीं आया और उन्होंने रिफ़ंड कर दिया, अमेज़ॉन ने रिफ़ंड कर दिया. तो रिफ़ंड की एंट्री जब हम यहाँ पे आएंगे पेमेंट में, तो पेमेंट में ये हमने पहले जो है दे रखा है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर आईडी 1, ये जो 1234 हमने जो लिए हुए हैं ये ऑर्डर आईडी है, आपको समझाने के लिए 1234 लिए है, ठीक है. तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 650 ही कर देते हैं. अब आप देखिएगा यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है लॉस 500 रुपीज़ का. क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 500 रुपीज़ है और ये प्रोडक्ट जो है डिलीवर्ड दिखा रहा है, यानी कि आपके पास नहीं आया है, तो इसलिए आपको 500 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है. अगर ये आपके पास, सपोज़ रिफ़ंड तो अमेज़ॉन ने कर दिया लेकिन ये डिलीवर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसलिए 500 रुपीज़ का. अब ये आपके पास लौट के आ गया है, तो अब जैसे आपने यहाँ पे डाला, अब आप देखिएगा यहाँ पे आपका जो है प्रॉफिट जो है अब ज़ीरो दिखा रहा है. यहाँ पर पूरे रिटर्न हो गया. क्लेम अगर जो है डालना है, क्लेम अगर आपने डाला है तो रिटर्न में आप जो है यहाँ पे जो है डालेंगे क्लेम में यस, अगर नहीं डाला है तो आप जो है नो डालेंगे, इसको जो है नो सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे यहाँ.
तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका एक ये हो गया कि कूरियर रिटर्न हो गया, उतना ही अमाउंट आपका जो है कट गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट जो है सीओडी भेजा, उसका पेमेंट भी आप सीओडी भेजा और आपको जो है पेमेंट अब जो है माइनस में मिलेगा, तो उसकी एंट्री कैसे होगी? आपको तो सिर्फ वहाँ से पेमेंट का डेटा जो है कॉपी जो है करना है और पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ऑर्डर आईडी एंड अमाउंट, डेट आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है डाल सकते हैं वहाँ। हमने बताया है प्रीवियस वीडियोस में कि अमेज़ॉन की पेमेंट रिकॉन्सिलेशन कैसे करेंगे एमटीआर से, तो वो वीडियो आप जो है देख सकते हैं। अब हम एक एंट्री ऐसी करेंगे जिसमें कोई प्रोडक्ट जो है गया है और वो प्रोडक्ट सीओडी था और वो लौट के आया है और आपको उसका जो उसका कोरियर का चार्ज है वो अमेज़ॉन ने काट लिया है। तो नॉर्मली अमेज़न जो है काट लेता है। अब 2 में 700, अब तो ये फ्लिपकार्ट का है, चलिए हम जो है 3 ले लेते हैं अमेज़न का, ये हम डेट दे देते हैं। 3 में आपका फॉर एग्ज़ाम्पल -751 उन्होंने जो है काट लिया। देखिए अब उन्होंने यहाँ 600 रुपये का आपको लॉस दिखा रहा है क्योंकि आपका प्रोडक्ट अभी लौट के नहीं आया है और आपको 100 रुपये माइनस में जो है दिया है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू और जो माइनस की वैल्यू आपको यहाँ पे उसने जो है दिखा दिया। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट भी आपके पास आ गया लौट के, तो आप यहाँ आएंगे, आपने 3 नंबर दबाया, आप देखिएगा अब आपको लॉस दिखा रहा है, जो कोरियर के चार्ज अमेज़ॉन काट लेता है वो आपको जो है यहाँ पे जो है दिखा रहा है। अब आप अपना प्रॉफिट जो है यहाँ पे डैशबोर्ड में आके देख सकते हैं कि टोटल आपका जो प्रॉफिट हुआ है इस मंथ का आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल हम जो है ले रहे हैं ये सितंबर का, तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल अगर सितंबर कर रहे हैं तो सेम डेट आएगा, अगस्त कर रहे हैं तो कुछ नहीं आएगा, अक्टूबर करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, सितंबर में ही आपका पूरा डेटा जो है यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको पूरा, क्योंकि ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आप पेमेंट रिकॉन्सिलेशन नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट एक ऐसा टूल चाहिए जिसमें आपको सिर्फ अपना डेटा जो है डालना है, बाकी काम ये ऑटोमेटिकली आपके लिए करेगा। और ये जो सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है ये वन टाइम कॉस्ट है, आपको मंथली नहीं देना है, सिर्फ एक बार आप जो है परचेज़ करेंगे और आपके सिस्टम में कितनी भी फाइलें आप बना सकते हैं पर्टिकुलर मार्केट प्लेस की। आप एक शीट में रखना चाहते हैं डेटा तो एक शीट में रख सकते हैं और डिफरेंट शीट में मार्केट प्लेस का डेटा रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप 5 मार्केट प्लेस पे जो है सेल करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा एंड अदर मार्केट प्लेसेस, तो आप सबकी अलग अलग जो है शीट भी जो है बना सकते हैं, लेकिन अगर एक रखना चाहते हैं तो एक भी रख सकते हैं। तो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट जो है भेजा और वो वहाँ जाके डिलीवर्ड नहीं हुआ, तो एक तो ये यहाँ पे डिलीवर्ड तब तक जो है दिखाएगा जब तक कि आपके पास रिटर्न में, आप उसको फिजिकल रिटर्न में नहीं डाल देते। आप अगर इजी शिप से यूज़ कर रहे हैं, आप अमेज़ॉन की शीट से कोई भी रिटर्न का डेटा इस शीट में नहीं डालेंगे, आपके पास जो भी रिटर्न फिजिकल आएंगे वही डेटा आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि ये रिटर्न आपको एक्चुअल में डालना पड़ेगा, अदरवाइज रिकॉन्सिलेशन ढंग से नहीं हो पाएगा। बाकी सारा डेटा जो ऑर्डर डिस्पैच का है या पेमेंट का है आपको अमेज़ॉन से आपको एक्सट्रैक्ट करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पूरी चीज़ें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करना है
क्या करना है, हमने प्रीवियस वीडियो अमेज़ॉन पेमेंट रिकॉन्सिलेशन वो हमने बताया गया है, उसका लिंक भी हम जो है इस वीडियो में जो है दे देंगे, तो आप पूरा वहाँ से जो है देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूज़न है या आप चाहते हैं कि आपको एक नया फीचर इसमें जो है चाहिए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@trackmypayment.in। हमारी टीम आपको जो है रिस्पॉन्ड करेगी और आपके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी चेंजेस उसमें चाहिए या आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो हमारे सपोर्ट पे आप जो है मेल करें, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। इसका प्राइस मैं ओपनली नहीं बता रहा हूँ, आपको जो है इसका प्राइस ईमेल पे बताया जाएगा। तो ये सारी मैं एक बार आपको जो है दिखा देता हूँ, ये डैशबोर्ड है, ये हमारा ऑर्डर डिस्पैच है जहाँ पे ऑर्डर्स की डिटेल हमको जो है डालनी है, सिर्फ ऑर्डर आईडी, डिस्पैच डेट, SKU, क्वांटिटी, क्या प्राइस में हमने सेल किया है, मार्केट प्लेस और मोड ऑफ द पेमेंट, बाकी जो है डिटेल जो है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड होंगे। रिटर्न में आपको सिर्फ फिजिकल रिटर्न जो है डालने हैं जो आपके पास रिटर्न आ रहा है, इसके अलावा कोई भी डेटा आप मार्केट प्लेस से नहीं उठाएंगे रिटर्न का। पेमेंट का आपको जो है मार्केट प्लेस से उठाना है। इन्वेंट्री आपको ऑटोमेटिकली अपने आप जो है, सबसे पहले आपका काम है कि आपको इन्वेंट्री डालनी है। सेटिंग में आपको कुछ चीज़ें जैसे मार्केट प्लेस आप जो है ऐड करना चाहते हैं कोई, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वर्टिकली। देन अगर कोई कोरियर रीज़न आप जो है कुछ रिटर्न का कुछ रीज़न आप जो है डालना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे ऐड आप जो है कर सकते हैं। प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। क्लेम आपने फाइल किया है येस नो, इसके कुछ अलग से देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये एक प्राइसिंग कैलकुलेटर है, ये बनाया गया है, ये नॉर्मल सा है, इसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं कि आपको फाइनल प्राइस क्या मिलना चाहिए। सो ये जो है एक स्टेप अहेड है version 1 का। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कलीग के साथ या जिसको ज़रूरत हो उसके साथ जो है शेयर कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।